आज मध्य प्रदेश को मिलेगा मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय विधायक दल की बैठक के लिए तैयार। बीजेपी में नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में शामिल होने सभी विधायक पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जायजा लिया। वहीं देखा गया कि बैठक को लेकर कोई भी विधायक कुछ नहीं बोल रहा है, सभी विधायक चुप्पी साधे हैं, बैठक में शामिल हो रहे हैं। और मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोगों को मिलने वाला है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब ये कौन होंगे, क्या वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान खुद होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को इस कुर्सी में बिठाने वाली है। हम लोग खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे जनता की राय क्या है, यहाँ पे लोगों का रुझान क्या कह रहा है कि वो किसको चाहते हैं, क्या वो शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा। आइए चलिए लोगों से पूछते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में, आज एक बड़ा दिन है मुख्यमंत्री चयन को लेकर, क्या लग रहा है? जो भी होगा अच्छा होगा सर। मीडिया से आज संगठन ने मना किया बात करने की, हम लोग बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चेहरा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी। लगातार आपको बड़ी जीत की बधाई। लौट के मिलते हैं भाई, लौट के कुछ नहीं कह रहा है, लौट के मिलते हैं भारत माता का मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो संगठन के ऊपर निर्भर है, वो सर्वोच्च है। पता नहीं है किसका गोपनीय तरीके से नाम ओपन कर दे, लेकिन हमारे हिसाब से अगर इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नए चेहरों बनना चाहिए, श्रीमंत महाराज जुगनाथ सिंधिया जी बनना चाहिए। अच्छा, उनकी वजह से सरकार आई, उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर वो बनते हैं तो वास्तव में युवाओं में एक नया जोश आएगा। जी 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 जी, बकाया प्रहलाद पटेल जी है, तोमर साहब भी है और भी कई चेहरे हैं, ठीक है नहीं? तो ये हमारा आपसे। तो सर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो वास्तव में उन्होंने तो बहुत विकास का काम किया है। लाली बहना, लाली लक्ष्मी, उन्हें चमत्कार किया, उनकी वजह सरकार आई है। सर एक मत, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अब ये संगठन के ऊपर है, ऐसा ये संगठन के ऊपर है, इसमें अपन क्या कह सकते हैं? हम कह रहे बदलना चाहिए तो नहीं बदलेंगे, हम कह देंगे बदलना है तो नहीं हो। सर आपका मत किसकी तरफ जा रहा है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, क्या खास कारण? सर पुराने लीडर है, उनको अनुभव है, दो बार के मंत्री भी, अटल जी के मंत्री रहे, अभी मंत्री रहे हैं, सातवें के छठवें के सांसद है, पार्टी कार्यकर्ता उनकी पकड़ है, मध्य प्रदेश में पकड़ है। जी जी जी, अच्छे देता है, बड़े देता है। अगर प्रहलाद जी के अलावा कोई और आता है तो क्या आप विरोध करेंगे या समर्थन? समर्थन में अपन जो संगठन कर रहे हैं उसमें ऊपर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? दिनेश शर्मा। सर आपको क्या लगता है कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? जैसा भी श्रेय संगठन करेगा वो अच्छा ही करेगा। और जी जी जी, हमारी पार्टी क्या है कि संगठन के संगठन आधारित है, एक व्यक्ति विशेष की कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। संगठन करता अच्छा ही करेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी का डिसीजन होगा आप उससे समर्थन करेंगे? समर्थन, बिल्कुल समर्थन करेंगे। फिर भी अगर एक नाम की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि किसका नाम सबसे आगे आ रहा है? जो भी करेगा संगठन अच्छा, शीर्ष नेतृत्व तो अच्छा ही करता है। हम छोटे से कार्यकर्ता है लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, केंद्र से आया हुआ है, वो अच्छा ही करेगा। कहाँ से आए? नरसिंहगढ़ विधानसभा हमारा है, राजगढ़ ब्यावरा जिला है और पांचों विधानसभा हमारे जिले ने दी है इस बार। क्या बात है, पांचों और अच्छे लीड से दिए। हमारी नरसिंहगढ़ विधानसभा इस बार 31,915 वोट से मिली है। क्या सर आपको क्या लगता है सर किसका नाम आ? जो पार्टी तय करेगी, हाँ। जो संगठन तय करेगा उसके साथ है हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लगता है किसका चेहरा सामने देखने को? तय करेंगे अंदर जाकर। आपको बहुत बहुत बधाई। और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है इस समय, क्या स्थिति सामने आएगी? बहुत जल्दी से आज मुख्यमंत्री जी का निर्णय होना है, क्या लग रहा है? जय श्री राम।